नवीनबे आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए नवीनबे और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। नेरुल के एक रेसिडेंशियल एरिया में पाया गया नाग। जी हाँ, तो आज हम लोग नेरुल के एक रेसिडेंशियल एरिया आनंद सोसाइटी में जाके उन लोगों से पूछेंगे और साथ ही साथ एनवायरमेंटलिस्ट से भी पूछेंगे ये जो केस हो रहा है नाग कैसे मिला जा रहा है, और साथ ही साथ सर्प मित्र से भी पूछेंगे। चलिए जानते हैं उनसे। जंगलों में पाया जाने वाला सांप आजकल शहर में भी पाया जा रहा है। मंगलवार 8 मई नेहरू सेक्टर 4 के अरविंद सोसाइटी में दिखा एक जंगली सांप। आनंदवान सोसाइटी में रहने वाले अरविंद पाटिल ने हमें कहा कि सांप उन्हें रात को 8 बजे अपनी बिल्डिंग के पीछे दिखा गया। ये हमारा चौथा या 5 टाइम्स वो ऐसे सर्प आया था, लेकिन ये जो आया है ना ये कोबरा वैरायटी, कोबरा क्या बोलते उसको, जातक वाला सांप था जो फन भी निकालता है। तो ये आया, ये रोड साइड से वो आया और एंटर इन दिस कॉलोनी, कॉलोनी में एंटर करके ये जो 4804 है बिल्डिंग नंबर, वहाँ से आके ये मेरा जो किचन है ना, किचन के पास वो रेस्ट करने लगा। आफ्टर दैट, आफ्टर 5 मिनट्स वो हमारा जो बाथरूम का साइड है वो जो डक है डक में जाके बैठा। उसके बाद जब वो बैठा डक में तो एक बिल्ली आ गई और बिल्ली उसको डराने लगी बैठ के। तब उसने अपना जो मुंह है फन बोलते हैं उसको, वो फन निकाल के बिल्ली को वो घुरघुराने लगा। तो ये चल रहा था खेल, ये खेल नियर अबाउट 5 to 10 मिनट्स चला। मीनवाइल हमारे वॉचमैन लोगों को मैंने फ़ोन करके और चेयरमैन कई लोगों को बुला के बुलाने की कोशिश की और मैंने अग्निशामक दल को कॉन्टेक्ट किया। हाँ, फिर अग्निशामक दल को मैंने बोला कि भाई इमीडिएटली आप कोई भी सर्प मित्र है उसको बुला के उसको पकड़ के उसका डिस्पोजल करना है। एनवायरमेंटलिस्ट अबा विट्टल रनवारे ने कहा कि शहर में ज्यादा से ज्यादा सांप आने के कारण सीमेंट फॉरेस्ट और लोगों का रहने का ढंग हो सकता है। घर के आजू बाजू में स्वच्छता नहीं रखने के कारण सांप आने की संभावना हो सकती है। अभी देखो, ये सांप रेसिडेंसी एरिया में आता है, वो कोई सोसाइटी में गंदगी रहता है, मतलब ये जूठा खाना बिना डालते है, गंदा रहता है, उसकी वजह से चूहा आता है और चूहा खाने के लिए सांप आता है रेसिडेंशियल एरिया में। दूसरा कारण एक है, ये भी सीमेंट का जंगल बन गया, बिल्डिंग बन रहे, किधर गार्डनिंग नहीं है, जंगल नहीं है, तो ये लोग को जगह नहीं रहने के लिए, तो ऐसी जगह से वो हटते हैं और रेसिडेंशियल एरिया में आता है। आएगा तो भी उसको कोई तकलीफ नहीं रहता है, लेकिन किसी को डर रहता है तो कोई सर्प मित्र को बुलाने का और उनको वो दे देने का, वो सुरक्षित जगह पे लेके जाता है। सर्प मित्र उल्लास ठाकुर से सांप आने के कारण क्या है और साथ ही साथ अगर सांप किसी रेसिडेंशियल एरिया में पाया गया तो लोगों को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने अपनी राय दी। एक तो है कि किसी भी घर में आने दो, अपने कंपाउंड में आने दो, अपने आजू बाजू में आने दो, तो डोंट गेट पैनिक। ओके, स्नेक जो रहते हैं वो आदमी को काटने के लिए नहीं आते, एक तो वो उनका फीडिंग के लिए आते हैं, नहीं तो कहाँ तो छुपाने के लिए आते हैं। तो अगर आपको मालूम रहेगा तो जो कुछ प्रोफेशनल स्नेक रिस्क रहते उनको कॉल करना जरूरी है। मैं ये प्रोफेशनल वर्ड जानबूझ के बताया क्योंकि आजकल दुनिया भर के स्नेक मित्र, सर्प मित्र रहते हैं। किसी के बारे में टीका करना आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, लेकिन जो सर्प मित्र आते हैं उनको सांप पकड़ने के लिए प्रशिक्षण किया होगा, उनके पास सांप पकड़ने के लिए इक्विपमेंट रहेंगे और उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी होना ये भी जरूरी है। इसके अलावा सांप पकड़ने के बाद वो कहाँ रिलीज़ करते हैं इसके बारे में भी उनको ज़्यादा जानकारी होना मांगता है। इसलिए जो प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूर है अपने आजू बाजू में नवी मुंबई में, उनका जो आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनको संपर्क जरूर कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साई पवार के साथ कृष्णा का रिपोर्ट।